सो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पीज आर इन रेशियो दिस। अब ध्यान से देखिएगा, अगर अपने पास एन टर्म्स ऑफ टू ए पीज है, अब दो ए पीज है अपने पास अगर जिनका एन टर्म्स का सम निकालना है, दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग अलग होगा, दोनों का फर्स्ट टर्म अलग अलग होगा, ये बात समझ में आ रही है। तो अगर हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट टर्म या सम ऑफ फर्स्ट ए पी और डिवाइडेड बाय सम ऑफ सेकेंड ए पी ऐसा लिखना है मुझे, तो मैं कैसे लिखूंगा? दोनों में टर्म्स कितनी लिए अपन ने, एन, तो बाहर एन बाई टू आएगा और इधर भी नीचे एन बाई टू आएगा, जिसको हम कैंसिल कर देंगे। तो जो समझदार बच्चा है वो एन बाई टू वो लिखता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कैंसिल हो जाएगा। बट अपन अभी थोड़े से नए हैं तो अपन लिखेंगे। देखिए इसमें क्या आ जाएगा, टू ए वन प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस कॉमन डिफरेंस भी इनका डिफरेंट होगा, क्योंकि नथिंग हैज बीन मेंशनड कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा या डिफरेंट होगा। ठीक है, नीचे आ जाए, फिर देखेंगे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टू ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू। ठीक है, अब आपको क्या बोला, सम ऑफ देयर इलेवेंथ टर्म ये निकालना है, और ये आपको गिवन है, ये आप लोगों को गिवन है कि कितना होता है, ये चीज होती है 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+27। हाँ जी, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा कि क्या करना चाहिए अपने को, ट्राई करो इसको, ट्राई करो, सोचो सोचो, बस मैं सोचने को ही बोल रहा हूँ, बाकी तो मैं आपको सॉल्यूशन तो डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन एक बार आप खुद से सोच के देखिए कि क्या करना चाहिए इसके आगे। सम ऑफ देयर इलेवेंथ टर्म मतलब इलेवेंथ टर्म ऑफ फर्स्ट एपी और इलेवेंथ टर्म ऑफ सेकेंड एपी, ये आपको निकालना है। तो मुझे बताइए पहली टर्म, पहली एपी का इलेवेंथ टर्म क्या होगा, वेरी इजी, क्या होगा, ए वन प्लस एलेवन माइनस वन इंटू डी वन, और नीचे क्या आ जाएगा, ए टू प्लस एलेवन माइनस वन इंटू डी टू। वी कैन इक्वेट, नो वी वोंट इक्वेट। अब बताइए, अब आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हिंट मिलेगा, आपको क्या क्रिएट करना है, ए वन प्लस 10 डी वन क्रिएट करना है। देखिए ये एन बाई टू और एन बाई टू तो कैंसिल हो गया है ना, मन की आंखों में, मन की आंखों से देखो ये कैंसिल हो गया। यहां पे एन माइनस वन की जगह अगर मैं किसी तरह से है ना, किसी तरह से सॉरी 10 क्रिएट कर देता हूं, यहां पे क्या है ए वन और यहाँ पे क्या है टू ए वन, ओ हो, तो अगर यहाँ पे मैं 10 की जगह 20 क्रिएट कर देता हूँ तो मजा आ जाएगा। ठीक है, 20 क्रिएट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो क्या करें अपन बताइए, 20 क्रिएट करने के लिए n की जगह क्या डालना पड़ेगा, पांचवी क्लास का बच्चा ही बता देगा कि सर डेफिनेटली 21 डालना पड़ेगा है ना, और नीचे भी 10 क्रिएट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बस एक स्टेप का सॉल्यूशन मिल जाएगा कि पुट n इज इक्वल टू 21 और आपके सारे रिक्वायर्ड वैल्यूज अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। देखो ऊपर आपने 21 रखा जैसे ही, तो क्या आ गया 20d1, और नीचे भी अगर अपन ने 21 रखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a2 प्लस 20d2 है ना। अच्छा यहाँ पे अगर n रखा है 21 तो यहाँ पे भी n 21 रखना पड़ेगा है ना, क्योंकि दोनों बराबर है। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 7 × 21 + 1 डिवाइडेड बाय 4 × 21 + 27, तो आ गया आपका आंसर, आंसर आ गया है ना। देखिए भाई यहां से 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, ए वन प्लस 10d1, और यहां से भी 2 कॉमन आ जाएगा तो ए टू प्लस 10d2। तो कोई कह रहा था 11 सब्स्टिट्यूट करने को, नहीं 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 21 करना पड़ेगा है ना। 7 × 21 कितना हो जाएगा, 7 × 7 7 × 14 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 × 1 = 4 4 × 2 = 8 प्लस 27, दिस इज योर आंसर है ना। ये जो लिखा है अपने सामने, ऊपर जो लिखा है वो क्या है, 11th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, नीचे क्या लिखा है 11th टर्म ऑफ सेकंड एपी, आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो 148 डिवाइडेड बाय 7, अच्छा 84 प्लस 27 करना है ना, तो पहले 7 ऐड कर देता हूँ, 91 में 20 ऐड कर दो, 101 111 है ना, ये विचित्र सा आंसर आया अपने पास, 148/111 लिखे इसे, प्लीज नोट इट डाउन, फिर मैं आगे बढ़ के आपको
दो चार चीजें और समझाऊंगा। वेरी गुड, हमारे का आंसर आ गया है 148/119। एक मिनट रुको, विंडो क्लोज करना पड़ेगा। अब हम फास्ट रैपिडली सॉल्व करेंगे। देखिए, इफ 11 अरिथमेटिक मींस, ये एस जो है थोड़ा छोटा होता है, इफ 11 एम्स आर इंसर्टेड बिटवीन (28 and 10). Find the number of integral point. The number of integral arithmetic means. तो को भी सीखना है। तो को नहीं सीखना है, तो को बस चिल्लाना है। हाँ भाई, तो 11 अरिथमेटिक मीन 28 और 10 के बीच में अपन ने घुसा दिए। कितने? 11। कॉमन डिफरेंस बताइए जल्दी से। देखो, कॉमन डिफरेंस बताने में मुझे कितना टाइम लगना चाहिए पता है? 2 सेकंड। क्या होता है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कितना एम घुसाना है? 11 प्लस 1, खत्म। कॉमन डिफरेंस जैसे ही आ गया मेरे पास, तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, सेकंड अरिथमेटिक मीन, थर्ड अरिथमेटिक मीन, फोर्थ अरिथमेटिक मीन और 11th अरिथमेटिक मीन मैं आराम से बता सकता हूं। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा? 28 प्लस कॉमन डिफरेंस। ये कितना आ जाएगा? 28 प्लस 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, 28 प्लस 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, 28 प्लस 4 टाइम्स कॉमन डिफरेंस एंड 11th कितना आ जाएगा? 28 प्लस 10 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, खत्म। अब कॉमन डिफरेंस अपन निकाल लेते हैं जल्दी से। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 10 माइनस 28 दैट इज माइनस 18 डिवाइडेड बाय 12। मजा नहीं आया कुछ, है ना, क्योंकि माइनस 3 बाय 2 इज नॉट दैट ब्यूटिफुल। तो आप अगर देखोगे ध्यान से, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स जो बन रहे हैं वो क्या क्या बन रहे हैं, कौन कौन से इंटीजर्स होंगे? इंटीजर्स ध्यान से देखना, आपने से क्या पूछा है कि इनमें से कौन कौन से अरिथमेटिक मीन इंटीजर्स होंगे। तो इंटीजर्स अगर अपने को निकालना है तो मन में ही कैलकुलेशन अपना तगड़ा होना चाहिए एकदम। देखिए, 28 में अगर आप माइनस 3 बाय 2 जोड़ोगे तो क्या वो इंटीजर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। फील आ रही है आपको इस बात की? पक्का? अच्छा, होना क्या चाहिए ना, ये 2 टाइम्स डी है ना, ये आपको इंटीजर देगा। फिर 3 टाइम्स डी आपको इंटीजर नहीं देगा, क्यों? क्योंकि ये 2d के साथ जब ये माइनस 3 बाय 2 मल्टीप्लाई होगा तब मजा आएगा, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? अरे भाई, आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूं मैं? ये 2 इंटू डी करोगे तब जाके 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 इंटू डी में आएगा कैंसिलेशन। समझ में आ गया ना? हाँ। तो बेसिकली a2 a4 एंड a6 a8 8, 10, ये पांचों इंटीग्रल होंगे, ये पांचों इंटीग्रल होंगे। सवाल काफी इजी हो गया ना? तो मैंने आपसे पूछा कितने इंटीग्रल होंगे? 5 होंगे। अगर मैं आपसे पूछ लेता कि पांचों का सम बताओ, पांचों का सम बताओ, तो भी आप लोग आराम से बता देते, है ना। अगर अपन पूछ, मैं बोल देता कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल अरिथमेटिक मींस, तो भी अपन सबको ऐड करके बता देते,
नॉट अ बिग डील. ओके ग्रेट. तो लावण्या सागर अद्वैत गुड. आर्या आपका भी आंसर आ ही गया है गुड. कुछ कमेंट्स क्या है ना थोड़ा लेट रिसीव होते बट हो रहे हैं. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. बिटवीन 1 and 31 एम फॉर मंकी अरिथमेटिक मीन्स. एम अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड सच दैट. कल से अपन जीपी चालू करेंगे तो ये अपना एपी जो है आज खत्म हो जाएगा. सारे क्वेश्चन अपने जितने भी मैं करा सकता हूँ आपको वो अपन आज फिनिश करके कल से जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे. सच दैट द रेशियो ऑफ सेवेंथ एंड एम माइनस वनथ means is 5:9. Find the value of m. करो सॉल्व. मुझे देखना है किसका आंसर सबसे जल्दी आता है. ए 11 28 + 11 d होगा क्या. हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना. थैंक्स. ठीक है जल्दी से सॉल्व करो. अच्छा आप लोगों ने क्वाड्रेटिक का मॉड्यूल सॉल्व कर लिया है क्या पूरा. उसके लिए भी एक क्लास लगाएंगे अपन वेरी सून. ओके सो बिटवीन 1 and 31 देखते हैं. देखो अपन है ना बिजली की रफ्तार से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हो जाता तो अच्छी बात है नहीं होता तो कोई बात नहीं वरना धीरे धीरे कर लेंगे. तो 1 और 31 के बीच में कितने अरिथमेटिक मीन एम फॉर मंकी है ना टोटल एम अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं. ओके तो सच दैट द रेशियो ऑफ सेवेंथ एंड एम माइनस वनथ मीन्स इज 5:9. ओके आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही है कि सेवेंथ मीन क्या होगा. सेवेंथ मीन विल बी ए सेवन और ए सेवन को मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ ए प्लस 7d है ना. मीन्स में बेटे अलग हो जाता है. सर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हार्ड जाता है थोड़ा. ठीक है मैं उसके लिए एक दो क्लासेस अरेंज करूंगा अभी फिर से अपन है ना नेक्स्ट वीकेंड ही लेंगे मोस्ट प्रोबेबली. तो उसमें अपन एक रिविजन करेंगे क्वाड्रेटिक का और फिर अपन मॉड्यूल भी सॉल्व करेंगे है ना. थोड़ा हार्ड तो जाएगा उसके क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते है ना. उसके क्वेश्चन टफ होते हैं. तो ए सेवन हो गया ए प्लस 7d और ए एम माइनस 1 कितना हो जाएगा. ये हो जाएगा ए प्लस एम माइनस 1 × d. तो आपको बोल रहा है सेवेंथ मीन और एम माइनस 1th मीन उन दोनों का रेशियो जो है दैट इज 5:9. अच्छा कॉमन डिफरेंस में निकाल सकता हूँ आराम से है ना. कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 2 सेकंड लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन टोटल नंबर ऑफ मीन प्लस 1. 2 सेकंड लग गए. हाँ लग गया होगा. ठीक है अच्छा बहुत ही बढ़िया. क्या करें अपन अब रेशियो निकाल लेते हैं है ना. रेशियो निकाल लेते हैं तो अपने को क्या बोल रहा है कि ए सेवन अपॉन ए एम माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 5:9. क्लियर है.
तो ए सेवन कितना हो जाएगा, ये रहा ए प्लस 7d अपॉन ए एम माइनस वन, क्या आ जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा 5/9। अच्छा क्या आपने को ए पता है, बहुत बढ़िया। क्या आपने को डी पता है, हाँ जी पता है, तो फिर किस बात की देरी है। तो ए की जगह वन डाला 7 times, ए एम माइनस वन ये कितना आ जाएगा 30/m+1 है ना। तो डी की जगह क्या डाल देंगे, 30/m+1। थोड़ा मुश्किल कैलकुलेशन है ना, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। तो एम माइनस वन इंटू डी की जगह क्या डाल दिया अपन ने, 30/m+1। ओके दिस इज गिवन एज 5:9। किसी का आया आंसर 14, बहुत ही खूबसूरत है ना, बहुत ही बढ़िया आंसर, बहुत जल्दी आपने आंसर दिया है इसीलिए मुझे अच्छा लगा। चलिए तो कितना हो जाएगा एम प्लस वन, और 7 × 30 कितना हो जाएगा, 210। 210 + 1 211, क्या मैं डायरेक्टली 211 लिख दूँ, ठीक है मैं लिख दे रहा हूँ ना, एम प्लस 211 डिवाइडेड बाय एम प्लस वन। अच्छा देखो मन की आंखों से अगर आप देखोगे ना, तो एम प्लस वन और एम प्लस वन जो डिनोमिनेटर में है वो तो कैंसिल होगा ही होगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो मैं थोड़ी देर से कैंसिल करूंगा लेकिन ठीक है, एम प्लस वन इंटू क्या आ जाएगा 30m-30। अरे अरे कुत्तों को क्या हो गया आज, इनको भी पता चल गया कि आज संडे, संडे को क्लास नहीं होनी चाहिए। हाँ जी तो ये एम प्लस वन और एम प्लस वन जब आप रेसिप्रोकल लोगे तब ये तो कैंसिल होगा ही होगा, सही बात है। 30m और m कितना हो जाएगा 31m, और 1 - 30 कितना हो जाएगा 29। तो 31m-29 मतलब m प्लस 211 डिवाइडेड बाय 31m-29, दिस इज गिवन एज 5/9। कोई भी इसको निकालेगा आप सॉल्व करके, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, 9m+211 इज इक्वल टू 5 × 31, फटाफट करते ना, 5 × 5 = 15, -29 × 5 करना है तो 30 × 5 करो, कितना आ जाएगा 150, फिर 5 5 5 5 5 5 बार घटा दो कितना आ जाएगा 145, ठीक है। तो 155 - 9 हो जाएगा 146, और 211 + 145 अगर करना है तो पहले 100 जोड़ दो तो 311, फिर 40 जोड़ दो तो 351, 356 सही है क्या। 211 + 145 तमीज से कर लेते हैं, सही था 356, 146। अच्छा ये मसाला किधर गया है, 155 माइनस नाइन, यहाँ पे एम आ जाएगा ना, तो 356 डिवाइडेड बाय 146, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके 9m+9 × 211 कौन करेगा, 9 × 211 है ना, और 29 × 5, हाँ ठीक है अभी सब चंगा है। तो 146 और 9 was 9, 9 was 9, 9 2 was 18, 18 99 + 145, ठीक है। ठीक है तो सभी का आंसर आ गया है, वेरी गुड। मतलब आप लोगों को अरिथमेटिक मीन तो समझ में आ रहा है, और आप लोगों को मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे है ना, वो क्वेश्चन इतने आसान तो होंगे नहीं। ठीक है तो ध्यान रखना, मतलब ये तो फिर भी ठीक क्वेश्चन था, डिसेंट क्वेश्चन था। ध्रुवम आर्या लावण्य तेजस, ठीक है गुड। -29
ठीक है क्या? तो अगला क्वेश्चन अपन लिखते हैं, कैलकुलेशन कर लेना यार, है ना? मैं जरूर कुछ ऐसा कर रहा हूँ कैलकुलेशन में जो कि हमें नहीं करना चाहिए। फोर्टीन आ जाएगा, है ना? ओके, कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा था अपना? नाइन्थ नंबर डाला ही नहीं अपन ने, तो लिखिए। चलिए एक इजी क्वेश्चन देते हैं ना, लिखिए एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन x and 2y and then between 2x and y. If the rth means in each case be equal, then find the ratio x upon y. टू जीरो फोर फोर, हाँ वो 2044 होगा, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई थी ना, प्राइमरी स्कूल एरर इसको कहते हैं अपन, ठीक है? इसको कि आप लोगों ने सही कर दिया उसे। ना अपने पास दो नंबर है x और 2y, उनके बीच में अपन ने कितने अरिथमेटिक मीन डाले अपन ने? n, n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करे, फिर 2x और y के बीच में भी अपन ने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करे, कितने? अगेन n, n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करे, फिर उन दोनों केस में जो rth मीन है ना, दैट rth मीन इज इक्वल, तो ऊपर वाले केस में rth मीन क्या हो जाएगा? rth मीन विल बी a प्लस r इनटू कॉमन डिफरेंस, और यहां पे rth मीन कितना हो जाएगा? a प्लस, मतलब दोनों में ए अलग अलग है ना, दोनों में ए अलग अलग है, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, ए का वैल्यू रख देता हूँ, ए प्लस आर इंटू डी, इसका डिफरेंस कॉमन डी वन मान लेते हैं अपन, और इसका हो जाएगा ए प्लस आर इंटू कॉमन डिफरेंस इसका डी टू, ये हो जाएगा आपका आरथ अरिथमेटिक मीन, आरथ अरिथमेटिक मीन, और ये दोनों इक्वल है, राइट है? ओके, सो पहले वाले अरिथमेटिक मीन में जो कॉमन डिफरेंस आएगा दैट विल बी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मीन्स प्लस वन, और इधर कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स अपॉन वन, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ए आर इसको कैपिटल ए आर बोल देते हैं, इसको स्मॉल ए आर बोल देते हैं, तो कैपिटल ए आर अपॉन अपॉन नहीं, दिस इज इक्वल टू स्मॉल ए आर, कैपिटल ए आर कितना है? एक्स प्लस आर इंटू डी वन, और ये कितना है? टू एक्स प्लस आर इंटू डी टू, करिए सॉल्व। तो x प्लस आर इंटू डी वन, पहले वाला डी वन क्या है देखते हैं, टू वाई माइनस एक्स, टू वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, ठीक है?
ये वाला डी टू कितना है, वाई माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। करो, निकालिए आंसर। आपको क्या पूछा है, एक्स और वाई का रेशियो। तो एक्स और वाई का रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द आरथ मीन इन ईच केस बी इक्वल, दोनों में आरथ मीन जो है वो इक्वल है, तो ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। आर डी वन माइनस आर डी टू क्या हो गया, ये आर डी वन माइनस आर डी टू, ये आपका एक्स हो गया। अच्छा हाँ, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू आर टाइम्स डी वन माइनस डी टू, है ना। यहाँ से चलो सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि आपका एक्स अकेला हो गया ना, तो हो सकता है ज़्यादा जल्दी आंसर आ जाए। तो कॉमन डिफरेंस तो अपने को खैर पता ही है, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस इज दिस वन, 2y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और ये वाला कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2x y माइनस 2x n प्लस 1, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपके सामने, तो आपको x अपॉन y निकालना है, निकल जाएगा बड़े आराम से निकल जाएगा, ओके। R into D1, R into D1, ठीक है, ऐसे कर लो, चाहे सुनो मेरी बात, चाहे तो आप ऐसे कर लो, या तो फिर यहाँ पर LCM ले लो। यहाँ पे LCM लेंगे तो मेरे को इतना रियलाइज हुआ है कि क्वेश्चन इतना ज़्यादा भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, है ना, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा वो बहुत खूबसूरत नहीं आएगा। अच्छा देखते क्वेश्चन में दिया क्या क्या अपने को, हमको एन जो है क्वेश्चन वाले ने ही दिया है, एक्स एंड वाई भी क्वेश्चन वाले ने दिया है, एंड आर भी क्वेश्चन वाले ने दिया है, ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने खुद से क्या अज्यूम करा है, हम लोगों ने खुद से डी वन अज्यूम करा है, दैट्स इट, ठीक है। तो एक्स और वाई और आर के टर्म्स में ही आंसर आएगा, टू एक्स प्लस आर इंटू वाई माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, है ना। चलिए यहां तक तो अपन पहुंच गए, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये एन प्लस वन और ये एन प्लस वन तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा अपने पास, न्यूमरेटर पे अपने पास बचा है टू एक्स इंटू एन प्लस वन आएगा, ओके ओके ओके। तो ये टू एक्स इंटू एन प्लस वन और ये एक्स इंटू एन प्लस वन, इनको साथ में ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा अपने पास ओवरऑल, टू एक्स मसाला और एक्स मसाला, दैट विल बी एक्स टाइम्स मसाला, है ना, ऐसे अपन ने देख लिए। फिर इधर से ये वाली चीज को अपन LHS में फेंक देते हैं, तो 2 इंटू आर इंटू वाई, ये वाली चीज को ओपन कर रहा हूँ मैं, इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, 2 इंटू आर इंटू वाई माइनस आर इंटू एक्स, है ना, और इधर क्या आ जाएगा, आर इंटू वाई माइनस टू इंटू आर एक्स, नाइस। ठीक है अमर, आपका आंसर मुझे सही दिख रहा है, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा ना, 2RY और 2RY तो कितना हो जाएगा, RY, ओके, इज इक्वल टू x इंटू एन प्लस वन, और ये RX को उस तरफ भेजेंगे तो प्लस RX बन जाएगा बच्चों, है ना, तो माइनस 2RX इधर ऑलरेडी है और प्लस RX आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस RX। आई होप ये बहुत ईजी लग रहा होगा आपको, इतना
कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक। फिर यहाँ से अपन x कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा n प्लस वन माइनस आर इंटू एक्स, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू आर इंटू वाई, ओके। आगे अपना आंसर है y अपॉन x कितना आ गया, y अपॉन x आ गया अपने पास n प्लस वन माइनस आर डिवाइडेड बाय आर, ओके। पावर कट हुआ क्या, दिस पीसी इज ऑन बैटरी, ओहो नाइस। तो अरिथमेटिक मीन के अपन ने लगभग सारे क्वेश्चंस जितने भी अपन कर सकते थे, है ना, इजी वंस, डिफिकल्ट वंस, दैट वी हैव डन। अब आगे बढ़ते हैं, लिखिए फाइंड द डिग्री of the expression one plus x into one plus x to the power 6 into one plus x to the power 11। ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा, ये सिलसिला जाएगा into one plus x to the power 101 तक, ठीक है। आपको डिग्री निकालना है इस एक्सप्रेशन की, ओके। तो r अपॉन, अच्छा मैंने y बाय x निकाला, आपको x बाय y निकालना था, ओके, उल्टा कर लेना उसको, है ना, ठीक है। अच्छा ये जो आंसर आया अपने पास, ये देखिए, ये n और r के टर्म्स में आया है, और n और r के टर्म्स में आना सही है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन वाले ने खुद ही दिया ना, n और r, जैसे r इसने खुद ही मेंशन किया है, n इसने खुद ही मेंशन किया है, हम लोगों ने अज्यूम नहीं करा इसको, r को और n को अगर हम अज्यूम करते तो वो आंसर नहीं होता, क्योंकि जो क्वेश्चन वाले ने दिया उसके टर्म्स में ही आपका आंसर आना चाहिए, है ना। चलिए इस एक्सप्रेशन की डिग्री निकालना है, बच्चों लिखना छोड़ दो, लिखना छोड़ दो आप, है ना, मन की आंखों से अगर एक चीज देखोगे, इसकी हाईएस्ट डिग्री कब आएगी, हाईएस्ट डिग्री कब आएगी, देखिए यहां पे x की पावर कितना है 1 और यहां पे क्या है 6, इधर है 11, नेक्स्ट वाला क्या होगा बता सकते हैं आप, नेक्स्ट वाला क्या होगा, देखिए 1 है 6 है 11 है, 5 5 का डिफरेंस चल रहा है मेरे ख्याल से, तो नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा 11 प्लस 5 दैट इज 16, समझ में आ रहा, फिर उसके नेक्स्ट वाला 21 हो जाएगा, मतलब जो हाईएस्ट पावर है एक्स का वो इस सीक्वेंस में चल रहा है, विच इज एन एपी, है ना, जो कि एक एपी है, और आपको हाईएस्ट पावर पूछा है, तो अपने को देखो ये जो एक्सप्रेशन दिया है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे गधों की तरह, जैसे अपन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 6, पहले ये फर्स्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसको थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका जो आंसर आएगा उसको फोर्थ टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से, समझ में आ रहा है। तो जब आप ऐसा करोगे, है ना, ध्यान से देखिएगा, तो होगा क्या कि ये x, x की पावर 6, x की पावर 11, x की पावर 101, ये कभी ना कभी तो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ना यार, बाकी के टर्म्स भी मल्टीप्लाई होंगे, आई अग्री, ये 1 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 1 जो है वो किसी और से मल्टीप्लाई होगा, बट आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ किससे मतलब है कि जब ये हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई होगी तब आपके पास x की पावर में कुछ बहुत बड़ा सा मसाला आएगा, वही मसाला इसकी डिग्री होगी, समझ में आ रहा है। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज आवर आंसर, और हाईएस्ट पावर ऑफ x कब आएगा अपने पास, जब अपन यहां पे ये x x x x वाले जो हाईएस्ट टर्म्स है उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, गेटिंग द पॉइंट, ओके। तो देखिए डिग्री विल बी इक्वल टू एक्स टू द पावर, क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 6 इंटू एक्स टू द पावर 11 टिल एक्स टू द पावर 101, जब ये सब मल्टीप्लाई होंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी टर्म्स आएगी, अरे बहुत सारी टर्म्स आएगी भाई यहाँ पे, बट हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको कोई लेना देना नहीं है, हाईएस्ट पावर जो है वो यही सारी टर्म्स देगी, है ना। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो ऐसा दिखेगा, और डिग्री जो है इसकी वो कुछ दिखेगी 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस
101, which is a very very simple arithmetic progression. इसका sum कितना हो जाएगा? Total number of terms. Total number of terms आप निकाल सकते हो. कितने terms हो गए यहाँ पे? देखिए 101 is nth term मान लेते हैं ना. इसको nth term मान लेते हैं तो 1 plus n minus 1 into common difference. तो 100 is equal to 5n minus 1. ठीक है? तो 20 is equal to n minus 1. N is equal to 21, एन आ जाएगा 21, क्लियर है क्या? अच्छा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 21, तो आ जाएगा n by 2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दिस इज योर आंसर. तो 21 by 2 into 102, तो 2 5s are 10, 2 1s are 2, 51 into 21 into 51 ऐसा कर लो. ओके, ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही है अगर ना, तो देखो आप मन में ऐसा कर लिया करो 20 प्लस 1 इंटू 51, फास्ट कैलकुलेशन करना है तो 51 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 2 1s are 2, 2 5s are 10, 0 प्लस 51 है ना, तो 1071 शुड बी योर डिग्री. 5151 थोड़ी आएगा सर, 1071 आएगा ना, तो डिग्री जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी. ओके, फिर एक और क्वेश्चन है जो कि अपन ने मॉड्यूल में कर लिया है, तो वो मैं क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूं. कौन सा क्वेश्चन? ये वाला. आपको S24 दिया हुआ है, S24 फाइंड करना है. इफ A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24, ये आपको दिया है 225, है ना? तो ये तो अपन ने ऑलरेडी डन इन मॉड्यूल. अच्छा, इससे रिलेटेड कैसे किया था मॉड्यूल में, याद है ना आपको? आगे से पहला और पीछे से पहला, इन दोनों का सम हमेशा फिक्स होता है. ठीक है, तो विवेक, अमर एंड सागर सबका आंसर आया है, ऋचा आपका भी आंसर आया है, लेकिन आपने सॉरी लिखा है तो पहले गलत दिया हो. 253 कोई बात नहीं है ना, होता है. आर्या का भी आंसर आया है, अमर सागर, गुड. चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं ना. तो लास्ट वाला आंसर जो आया था मृणल का आया था, ध्रुवम का आया था, अमर का आया था, एंड उसके पहले तो आप सबका आया था, भक्ति, ध्रुवम, आर्या, लावण्य, तेजस, अद्वैत, मृणल, ऋचा, सागर. क्या बात है, संडे को आप लोग फॉर्म भेज दो मतलब. चलिए तो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, है ना. मैंने क्या बताया था, फर्स्ट टर्म आगे से, फर्स्ट टर्म पीछे से, उन दोनों का सम, और फिफ्थ टर्म आगे से, फिफ्थ टर्म पीछे से, उन दोनों का सम बराबर हो. टेंथ टर्म आगे से और टेंथ टर्म पीछे से, इन सबका सम जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है. ओके, तो अगला क्वेश्चन लिखिए. इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ एन टर्म्स, कंसिस्टिंग ऑफ एन terms, where n is odd, sum of all the terms is S1. And the sum of even number term is S2, then find the value of, then चल एक काम करते हैं, S1 upon S2 is equals to. सर आई ज्वाइन लेट बिकॉज आई डिडंट नो कि क्लास है, कुछ नया सीखा या है क्या? नहीं, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है ना, बट थोड़ा सा आप है ना देख लेना रिकॉर्डेड सेशन में, एक बार यूट्यूब पे जाके देख लेना, थोड़ा सा लास्ट में मतलब सॉरी स्टार्टिंग के 10-15 मिनट जो है वो आपने मिस किया होगा. कुछ नया नहीं है, वी हैव डन अ फ्यू क्वेश्चंस जो कि आपको कर लेना चाहिए.
ठीक है, ऑप्शंस दे रहा हूँ मैं आपको। ऑप्शन है अपने पास 1/(n-1), ऑप्शन बी है अपने पास 2n/(n-1), ऑप्शन सी इज (n-1)/(2n), एंड ऑप्शन डी इज (n-1)। सिंपली ओके, चार ऑप्शन दिए मैंने आपको। सर जस्ट एक्सपैंड, वी विल गेट रिलेशन 2a+(n-1)। अच्छा हाँ, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपैंड करके भी कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार ये फंडा आपको सिखाना था मेरे को, है ना, कोई मेरे को ऐसा दुश्मनी नहीं है वो मेथड से। आप इसको एक्सपैंड कर लोगे तो आपका आंसर जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा। बट ये प्लस ये प्लस, थोड़ा अलग से करते हैं, दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस, ये तीनों सेम है तो ज़्यादा जल्दी सॉल्व होगा ना, और ज़्यादा स्मार्ट मेथड हुआ इसलिए। और वही चीज़ अपन शायद यहाँ पे भी लगाएंगे, तो इसको आप लोग सॉल्व करो। सर आज के टेस्ट में रिलेशंस पर क्वेश्चन आएंगे क्या? याद करने दो यार, आपको टाइम हो गया है। हाँ आएंगे आएंगे, ज्यादा नहीं है, एक दो क्वेश्चन है। कंसिस्टिंग ऑफ एन टर्म्स वेयर एन इज ऑड, सम ऑफ ऑल टर्म्स इज S1। ठीक है तो देखते हैं भाई, है ना, सारे टर्म्स एपी मान लेते हैं अपन, है ना, A1, A2, A3, A4, An, ये एपी है जहां पर n क्या है, ऑड, ध्यान रखना है ना, n इज इक्वल टू ऑड। अगर n ऑड है तो मैं 2n+1 भी ले सकता था, बट चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ n टर्म्स बताइए आप कितना आ जाएगा। Sum of all the terms है ना, sum of all the terms is S1। तो S1 क्या हो जाएगा, जितने terms है अपने पास उतना divided by 2 into first term plus last term। समझ में आ रहे? Okay। और S2 क्या बोला है आपने, से ध्यान से देखिएगा बच्चों, ने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप एक स्टार लगा दो, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन, नॉट दैट डिफिकल्ट बट अच्छा है। सी आ रहा है आपका आंसर। सर आज आपने टेस्ट सेट किया है क्या? S2 क्या आ जाएगा? S2 आ जाएगा n/2। ओह नो 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 नो, सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स। तो पहले अपन देखते हैं ऑल इवन टर्म्स, बताता हूँ मैं ना टेस्ट के बारे में, बताता हूँ आपको ऑल इवन टर्म्स। सारे इवन टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला होगा सेकेंड टर्म, इवन नंबर टर्म होता है ना, इवन नंबर टर्म का मतलब होता है A2, A4, A6, A8 और An कौन सा है, ऑड है ना, An ऑड है, अपने को पता है ना N ऑड है, तो इससे जस्ट पहले वाला डेफिनेटली इवन रहा होगा, तो An-1। ठीक है, इसका सम अगर मैं निकालता हूं तो उसको S2 कहा है, मैंने नहीं कहा S2, क्वेश्चन वाले ने कहा है कि सारे इवन नंबर, sum of all the even number term is S2, और all the terms का sum क्या है S1। ठीक है, तो S2 क्या हो जाएगा, total number of terms। आपको एक बात बताऊं मैं, जितने terms होते हैं ना, मान लो अपने पास n terms है, तो उसमें से आधे even होंगे और आधे odd होंगे, और last वाला odd दिया है आपको। एक छोटा सा example देख लो अपने पास, let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 टर्म है अपने पास, तो इन 10 में से आप चेक करोगे ना, तो हाफ इवन होंगे हाफ ऑड होंगे, ये सारे 5 कितने हैं ऑड और 5 है इवन, तो हमेशा ऐसे ही होता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं अपने पास, n है ना, n अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसमें से हाफ ऑड होंगे और हाफ इवन होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n-1/2, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, यही तो होता है फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके,
गेटिंग द पॉइंट? तो पिछला वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था ना, अब वैसे ही हो गया क्वेश्चन। देखो आगे से दूसरा टर्म, पीछे से दूसरा टर्म। अरे भाई साहब, आगे से पहला टर्म और पीछे से पहला टर्म, इस चीज को मैं अगर मसाला कह देता हूं, है ना? रुको रुको जरा, अगर आगे से फर्स्ट और पीछे से फर्स्ट मसाला है, तो आगे से सेकंड और पीछे से सेकंड भी मसाला होगा, बिकॉज इक्वल होते हैं, अपन ने पढ़ा ये चीज, है ना? तो S1 क्या आ जाएगा आपके पास? N by 2 into मसाला। ध्यान रखना, मसाला मैंने खुद से माना है, क्वेश्चन वाले ने नहीं दिया है, है ना? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा N minus 1 by 4 into मसाला। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है S1 divided by S2। S1 कितना है? Nm by 2, N into मसाला by 2। और S2 क्या है? N minus 1 by 4 into मसाला। तो Nm divided by N minus 1 into M into 4 by 2। रेसिप्रोकल किया यार, है ना? तो ये आ जाएगा आपके पास 2। तो आंसर हो जाएगा 2N upon N minus 1। ये कोई ना कोई ऑप्शन तो था, जरूर था, ऑप्शन नंबर बी। S1 by S2 चाहिए था ना, 2N ऊपर आएगा, 2N ऊपर आएगा, है ना? यहाँ पे एक उल्टा करके भी दिया मैंने। ठीक है, टेस्ट के बारे में अभी अपन इतना बात नहीं करते। अगला क्वेश्चन लिखे, द इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। And the common difference is 5 degree. Find the number of sides of the polygon. क्या बोलती है जनता, हो पाएगा ये क्वेश्चन? इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इन एपी। आपको पता है कि पॉलीगन का सम, चलो एक चीज लिखा देता हूं मैं आपको, है ना, छोटी सी, छोटा सा रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए। लिखिए कि हाँ, सम ऑफ इंटीरियर angles of a n-sided polygon क्या होता है?
एन माइनस टू इंटू पाई, पाई मतलब 180 होता है, बट आप थ्री सॉरी एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री लिख लो। मतलब क्या हो गया कि अगर पॉलीगन मतलब क्या होता है, जैसे ये थ्री साइडेड पॉलीगन है, दिस इज फोर साइडेड पॉलीगन है ना, ये फोर साइडेड पॉलीगन है और ये फाइव साइडेड पॉलीगन है। इसको अपन ट्रायंगल बोलते हैं, इसको अपन कुछ क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, इसको अपन पेंटागन बोलते हैं, फिर सिक्स साइडेड को अपन हेक्सागन बोलेंगे। तो आप देखेंगे ट्रायंगल में अगर कितनी साइड्स होती है, टोटल तीन साइड होती है। तो तीनों साइड, ये नंबर ऑफ साइड थ्री यहाँ पे पुट करो तो थ्री माइनस वन कितना, थ्री माइनस टू कितना आ गया वन है ना, तो वन इंटू 180 कितना आ गया 180, मतलब इसमें सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, विच इज ट्रू, जो कि अपने को पता है। यहाँ पे आप साइड्स देखिए कितनी है, टोटल साइड्स कितनी है चार, चार साइड यहाँ पे पुट करो, फोर माइनस टू टू, टू इंटू 180 360, हमको पता है कि इसमें चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, लाइक दैट। तो आपके पास कोई भी डिग्री का पॉलीनोमियल हो, पॉलीनोमियल बोल रहा हूँ मैं, पॉलीगन हो, कोई भी डिग्री का पॉलीगन हो, तो उसके सम ऑफ द साइड्स जो होती है वो क्या हो जाती है, टोटल नंबर ऑफ साइड्स माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ओके, सम ऑफ द एंगल्स है ना। अगर मैंने कुछ और बोला होता तो फर्स्ट एंगल कितना दिया है आपको, फर्स्ट एंगल द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, यार 120 इज वेरी लार्ज, आई थिंक इट शुड बी 20 डिग्री, जस्ट लेट मी चेक, ठीक है 120 डिग्री ही रहने दो। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5, तो सबसे छोटा एंगल 120 डिग्री होगा, तो सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा, सेकेंड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री प्लस 5, 125 डिग्री। थर्ड एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 डिग्री, ओके। और nth एंगल कौन सा हो जाएगा, लास्ट एंगल मतलब nth एंगल, कितने साइड है, n साइड है, कितने एंगल होंगे, n एंगल होंगे, भाई जितने साइड है उतने एंगल होंगे, ट्रायंगल में कितने साइड होते, तीन, कितने एंगल होते, तीन, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती, चार, चार एंगल्स होते। तो पॉलीगन में अगर n n साइड्स है तो कितने एंगल होंगे, nth एंगल होंगे, तो क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अच्छा, इन सब का जो सम होगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, ये कितना होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ऐसा होना चाहिए, सही बात। अच्छा, एंड एडिशनली वी कैन एड इट, दिस विल बी इक्वल टू 120 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस 130 डिग्री टिल 120 प्लस 5 एंड माइनस 5, अरे यार इसको निकाल लेते ना, दो सेकंड रुक जाओ, तो 120 प्लस 5 एंड माइनस 5 कितना आ जाएगा, ये 115 प्लस 5n, डायरेक्टली 115 प्लस 5n लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। तो कितने टर्म्स हो गए टोटल बच्चों, यहाँ पे n टर्म्स, क्योंकि n एंगल्स है इसलिए टोटल n एंगल्स, या फिर आप इसको n टर्म्स बोल सकते हो, ओके। तो सम क्या हो जाता है एपी का, एपी का सम हो जाता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, 120 से ही आंसर आएगा है ना, 120 से आंसर आएगा, यार कैसी बात कर रहे हो तुम, या तो फिर मुझे सॉल्व करने दो एक बार, n बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 235 प्लस 5n, दिस इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180, ठीक है, होपफुली आंसर आ जाना चाहिए आंसर अपना। तो ये आ जाएगा n बाय 2, दो सेकंड बच्चों है ना, ये जो 2 है इसको इधर उचका दो LHS में, तो 2 को LHS में उचका देंगे तो कितना आ जाएगा, 360 इंटू एन माइनस 2, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, 120 प्लस 115 कितना हो जाएगा, 135 प्लस 5 टाइम्स n, 135 प्लस 5n, अब हम देखेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा,
360 माइनस 360 इंटू 2 2000 अच्छा देखो ना 600 720 और यहाँ पे आ जाएगा 135 इंटू एन प्लस 5 इंटू एन स्क्वायर। ओहो बिल्कुल मूड खराब हो गया क्वाड्रेटिक देख के। ठीक है अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा है ना। तो 5n स्क्वायर माइनस अच्छा चलो ठीक है दो मिनट और इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं अपन। 135n माइनस 360n प्लस 720 तो 5n स्क्वायर प्लस 360 माइनस 100 260 माइनस 30 हो जाएगा 230 225 नेगेटिव का तो माइनस 225 इंटू एन ओ यहाँ पे 235 था ना मैंने 135 का ही लिखा है 235 आएगा। ठीक है 235 तो यहाँ पे 125 आ जाएगा सिंपली प्लस 720 इज इक्वल टू जीरो। ओके अच्छा पांच यहां से कॉमन ले लेते हैं कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 5 5 जा 25 एन प्लस 5 1 जा 5 22 5 4 जा 20 फिर से 20 5 4 जा 20 इज इक्वल टू जीरो। 5 कॉमन लेके मैंने उड़ा दिया 144 और माइनस 25 ये तो काफी आसान लग रहा है 16 और 9 है ना 16 एंड 9 और नेगेटिव चाहिए तो दोनों नेगेटिव होना पड़ेगा तो n माइनस 16 एंड n माइनस 9। ठीक है चेक कर लो तो यहाँ से आपका n कितना आ जाता है n आ जाता है 16 और n आ जाता है 9 तो दोनों ही आंसर होने चाहिए वैसे लेकिन अब एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे 9 एंड 16 नंबर का सही आया है। ठीक है 9 और 16 अब अपन चेक करते कौन सा सही है। अच्छा आपको पता है ना कोई भी क्लोज्ड पॉलीनोमियल होता है कोई भी क्लोज्ड पॉलीगन होता है पॉलीगन ये क्लोज्ड पॉलीगन है ना दिस इज अ क्लोज्ड पॉलीगन इसमें जो इंटीरियर एंगल होगा इंटीरियर एंगल ये हमेशा हमेशा 180 से छोटा होना चाहिए ये तो पता ही है ना कॉमन सेंस वाली बात है 180 से बड़ा अरे 180 ये हो गया ना फ्लैट हो गया 180 कोई एंगल हो सकता है क्या हो ही नहीं सकता है तो आपका एंगल हमेशा 180 से छोटा होना चाहिए शुड बी ऑब्ट्यूज है ना बट लेस देन 180 मतलब यही तो ऑब्ट्यूज होता है तो 180 से छोटा होना चाहिए। तो अपन 16th एंगल और 9th एंगल दोनों में चेक कर लेते हैं तो 16th एंगल इफ n इज इक्वल टू 16 तो 16th एंगल क्या आएगा आप लोग निकालो मैं नहीं निकाल रहा हूं और इफ n इज इक्वल टू 9 तो 9th एंगल क्या आएगा तो n अगर 16 है तो 16th एंगल क्या आ जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू बी डिग्री विग्री नहीं लगाता मैं बाहर में जाए तो 16th एंगल आपके पास आ जाएगा 120 प्लस 15 5 जा 75 तो यह आ जाएगा 195 डिग्री और 195 डिग्री क्लियरली 180 से बड़ा होता है इंटीरियर एंगल जो होता है वो 180 से बड़ा नहीं हो सकता है ना देखो इंटीरियर एंगल कैन नॉट बी ऑफ एनी पॉलीगन एनी क्लोज्ड पॉलीगन लिख दो वो अपन पढ़ेंगे क्लोज्ड ओपन पॉलीगन क्या होता है कैन नॉट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री यहां लिख देना क्लोज्ड पॉलीगन अपन देखेंगे ओपन पॉलीगन नाम की भी एक चीज होती है वो भी अपन देखेंगे। तो 9th एंगल देखते हैं क्या ये भी आपका 180 से बढ़ा गया 180 से अगर बढ़ा गया तो आप बोल देना कि नो आंसर इज पॉसिबल तो 180 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी तो 8 इंटू 5 डिग्री ऐसी लगा दिया है ना स्टाइल मारने के लिए तो 180 प्लस 8 5 जा 40 हाँ ये थोड़ा 180 से छोटा आ रहा है विच इज अ पॉसिबिलिटी तो आपका n क्या होगा 9 होगा और n क्या नहीं होगा n कैन नॉट बी 16 नहीं हो सकता है 9 हो सकता है। ठीक है तो अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज खत्म होता है कल से अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे। नाउ आप लोगों को एपी का मॉड्यूल जो है वो सॉल्व करना है और उसको सबमिट करना है आज की आज।
है ना, आज आप करो कभी तो, कभी भी करो, कोई ऐसे डेडलाइन नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। जिन लोगों ने कर लिया उनका मेरे को रिसीव्ड है, उनका मैंने नाम लिख लिया, ठीक है। तो आप, आपको मॉड्यूल आज पूरा कंप्लीट करना है, कंप्लीट इट, फिनिश इट, फिनिश इट, विल डिस्कस इट टुमारो। रैगोस इक्वेटी एनथ टर्म एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल बट क्लियर सर। ओके ओके ओके, ठीक है, वो गलती ना करें। तो किसका आंसर आया मैं एक बार देख लेता हूँ। विवेक, अमर, अद्वैत, तेजस, विवेक, लावण्य, मृणल, रिचा। ओके, आर्या बोल रही थी कि वो 235 हो गया, वो कर लिया अपन ने, सही बात। 9 और 16, मृणल का बहुत सबसे जल्दी आया था। हाँ अद्वैत, ये 16 से बड़ा क्यों नहीं होगा, 16 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने n का वैल्यू 16 लिया तो सबसे लास्ट एंगल देख लेते, 16th एंगल, सबसे बड़ा एंगल चेक कर लो ना, क्योंकि उसी की प्रोबेबिलिटी है 180 से ज़्यादा होने की। तो आप चेक कर लो कि वो 16th एंगल क्या आएगा, वो 195 आ गया। तो 180 से बड़ा कोई एंगल नहीं हो सकता है क्लोज्ड पॉलीगन में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे सामने जो है इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, वही चीज़ है, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 16th एंगल जो है 180 से बड़ा आ गया, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इंटीरियर एंगल जो है 180 से छोटा होना चाहिए, है ना। ये चीज़ अपन और डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज का मॉड्यूल आप करो, एपी खत्म कर दो। एपी, एपी कहाँ तक है, 29 तक है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मॉड्यूल जो है वो अपन मंडे या ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे, मतलब कल या परसों, ठीक है बच्चों। फिर अपन कल मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना, है ना, बाय बाय।